क्या आपके घर में भी हो रही है पति और पत्नी में ढेर सारे झगड़े, बहुत सारी बहस? घर का वास्तु सही है, सबकी कुंडली सही है, लेकिन फिर भी क्या बात है कि पति और पत्नी में बात बात पर हो रही है बहस? ना पति चाहता है देखना अपनी पत्नी को और ना ही पत्नी को अच्छी लगती है पति की कोई बात। तो क्या करें हम, कहां जाएं, किस ज्योतिष को दिखाएं अपनी कुंडली या करें किस ग्रह से संबंधित उपाय? आज कुछ नहीं बताऊंगी, आज बताती हूँ एक छोटा सा नमक का उपाय और सुधर जाएगा ये रिश्ता। सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह और बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखे। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। यदि आपके घर में भी नव विवाहित लड़की आती है शादी करके, सब कुछ तो अच्छा लगता है, ससुराल अच्छा लगता है, रिश्तेदार अच्छे लगते हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही है पति के साथ। जीवन साथी के साथ साथ निभाने का सात फेरे सात वचन तो लिए हैं, लेकिन बात ही अच्छी नहीं लगती है, हो रही है टकरार, तो करें एक छोटा सा नमक का उपाय। नमक बहुत सारी बातों पर संबंध होता है, नमक का संबंध हमारे जीवन से, हमारे मृत्यु से होता है। तो सबसे पहले जो बात बताने जा रही हूँ, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि हर किसी के घर का नमक ना खाएं, और खास करके यदि आपका विवाह अभी अभी संपन्न हुआ है, विवाह को 3 वर्ष नहीं हुए हैं, तो आप जिसे नहीं जानते हैं या कोई नए रिश्तेदार हैं, तो आप उनके घर का नमक ना खाएं। ये भी बहुत बड़ा कारक होता है कि पति और पत्नी के दाम्पत्य जीवन में आती है बहुत सारी परेशानियां। तो नमक से बचे, यदि आप किसी के घर में आमंत्रित भी हैं तो मीठा खा लें, पर नमक ना खाएं यदि आपके विवाह को हुए हैं अभी सिर्फ 3 साल। पहला उपाय है ये और इससे बचना है। दूसरा छोटा सा उपाय नमक का बताती हूँ, जिससे कलह 1 सप्ताह में ही खत्म हो जाएंगे। जहाँ पर भी पति पत्नी सोते हैं, आपका जो बेड है, आपके सिरहाने कांच का ग्लास में पानी भर लें और 1 बड़ा चम्मच नमक उसमें रोज रात को घोल दें। सिरहाने के साइड आप थोड़ी दूर पर भी एक ग्लास रख सकते हैं नमक से भरकर पानी की, और हर सुबह वो पानी आप फ्लश आउट कर दें, अपने बेसिन में डाल दें, उसे बहा दें। आप ऐसा लगातार शनिवार से प्रारंभ करके 8 दिनों तक, अर्थात शनिवार से प्रारंभ करके अगले शनिवार तक यदि ऐसा करते हैं, तो पति पत्नी में बहुत सामंजस्य बनने लगता है, दोनों में मधुरता आती है संबंधों में, और दोनों को एक दूसरे की बातें अब उतनी नहीं चुभती है। नमक मायने रखता है, ग्रह को सूचित करता है शनि को, इसीलिए कहते हैं कि किसी और के घर का नमक यदि आप खा लेते हैं, तो उनके घर का यदि खराब शनि हो तो वह आपके साथ आ जाता है और बिगाड़ देता है कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन को। तीसरा और सबसे अचूक उपाय बताती हूँ, यदि पति पत्नी में बहुत सारे ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, बात नहीं बन पा रही है, दाम्पत्य जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया हो, तो आप जिस चादर पर सोते हैं, पति पत्नी के बिस्तर पर जो चादर बिछती है, हर शनिवार को उसे धोने के बाद 1 बाल्टी पानी में नमक घोल लें और चादर को नमक के पानी में डाल दें। थोड़ी देर के बाद चादर को सुखा लें। नमक के पानी में डालने के बाद उस चादर को फिर से प्लेन पानी में ना डालें, नमक के पानी के साथ ही सुखा दें। यदि आप लगातार 2 दिन शनिवार ही करते हैं, तो आप देखेंगे इस संबंध में कैसे आती है मधुरता। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। भगवान शंकर और माता पार्वती की तरह जोड़ी बनी रहे आप सबकी, ना हो कभी झगड़े, ना हो कभी कलेश, किसी भी दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या ना रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल, रखिए अपने प्यार भरे रिश्ते का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।